हाय हाय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? सब बढ़िया? सो वेलकम टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम एक अल्टीमेट रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है? पार्ट वन। सबसे पहले, व्हाट विल यू गेन फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट? यू विल अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओवर द गेट प्रीवियस ईयर्स। जो वेटेज होती है वो अच्छे से समझेंगे। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्यों पढ़नी चाहिए भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ के क्या होगा? इंपॉर्टेंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की? इस चीज पे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो क्यों पढ़नी है वाला फैक्टर पूरा रिमूव कर देंगे। तीसरा, एग्जैक्टली किस चीज पे फोकस करना है, ठीक है? बेस्ड अपॉन प्रेडिक्टेबिलिटी, ईज, वेटेज, मैं क्या करूंगा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को लूंगा। जैसे MBBS करते टाइम एक डॉक्टर ह्यूमन बॉडी को लेता है और उसको पूरी तरीके से डाइसेक्ट करता है, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल को, उसी तरीके से इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेंगे और हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक को डाइसेक्ट करेंगे और मैं बताऊंगा तुमको कि क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, कौन सा पढ़कर तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, कौन सा पढ़ भी लोगे तो शायद तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। अप्रोच, टिप्स, एनालिसिस, पूरी तरीके से एक डीप एनालिसिस करेंगे हमें सब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है? सो दिस वीडियो इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑन द इंटरनेट, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस चीज, इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट को मैं इसी डेप्थ में बताऊंगा ताकि स्ट्रेटेजिकली तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाए क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। एक कंप्लीट डायरेक्शन जिसे कहते हैं इस वीडियो सीरीज के थ्रू मैं दे दूंगा, ठीक है? तो हु शुड वॉच दिस वीडियो? अगर तुम गेट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी साल हो, भले ही ये वीडियो तुम 3 साल बाद देख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट कंप्यूटर साइंस एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ टॉप कॉलेज, तो ये वीडियो तुम मिस नहीं कर सकते। अगर मिस कर दोगे तो तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो वीडियो देख लेंगे और उनके दिमाग में जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगी। सो कहीं ना कहीं तुम लॉस खा सकते हो। सो आई वोंट रेकमेंड यू टू मिस दिस वीडियो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट कंप्यूटर साइंस, ओके? सेकेंड, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है तुम्हारे बीटेक करिकुलम में तो भी तुम ये वीडियो देख सकते हो, बट तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। अगर ये वीडियो देखोगे तो मैं पूरा का पूरा कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ी जाती है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए एक ऑप्शनल है। बट अगर तुम गेट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो व्हाटसोएवर, ठीक है? सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले अबाउट मी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो, स्पेशली तुम्हारे लिए। सो दिस इज माई स्टोरी, एज यू कैन सी आई क्रैक दीज ऑल कॉलेजेस एंड दीज ऑल IITs, ठीक है? तो ये जो जर्नी है पूरी की पूरी, दैट हैज हेल्प मी टू डेवलप दिस चैनल। इस चैनल पे आई एड्रेस स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन था, तो मैं वो एड्रेस करता हूँ। दूसरा, गेट को कैसे फोड़ते हैं उस चीज़ के ऊपर पूरा गाइडेंस देता हूँ। और तीसरा, पोस्ट गेट गाइडेंस भी देता हूँ, क्योंकि मैंने गेट को एंड टू एंड देखा है, ठीक है? अभी मेरा मिशन ये है, राइट नाउ माई मिशन इज टू क्रिएट द बेस्ट रोड मैप प्लेलिस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ गेट कंप्यूटर साइंस, ठीक है? ये चीज़ है मेरा सबसे पहला मिशन, जो कि मैं आने वाले कुछ महीनों तक करूंगा, और उसके बाद आई विल मूव ऑन टू अदर ब्रांचेस ऑल्सो, एंड आई हैव ऑल्सो गिवन ऑल माई नोट्स फॉर फ्री, और मैं अदर गेट रैंकर्स के भी नोट्स लाऊंगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई डू इन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जब कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, जब तुम्हें कोई चीज़ फेस करनी होती है, तो उसको डाइसेक्ट कर दो, व्हाट, वेयर, हाउ, पे, ठीक है? क्यों करनी है, क्या करनी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ठीक है? हर सब्जेक्ट को हम इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में जो पार्ट वन वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूंगा क्यों पढ़नी है ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या एग्जैक्टली पढ़नी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बेस्ड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट टू वीडियो में हम कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है, और अच्छे से तुम्हें डिटेल्स में समझा सको। सबसे पहले फर्स्ट क्यों पढ़नी है भैया, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है एक्सट्रीमली प्रेडिक्टेबल होती है, इजी होती है और स्कोरिंग होती है। हर साल गेट में 7 to 10 मार्क्स इसका वेटेज होती है। मैं ओवर द ईयर्स अच्छे से एनालिसिस करके दूंगा, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ 7 से 10 मार्क्स आती ही आती है गेट ऑपरेटिंग सिस्टम में,
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से 70-80% प्रेडिक्टेबल होती है, तो 85% ऑपरेटिंग सिस्टम से तुम आंसर आसानी से कर सकते हो अगर तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो। एंड 85% आई मस्ट टेल यू इट्स ह्यूज ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ना है, अगर तुम्हें एक टॉप कॉलेज चाहिए तो ये सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेरा एक दूसरा वीडियो है द अल्टीमेट रोड मैप वीडियो, मैं लिंक कर दूंगा, तो वो अल्टीमेट रोड मैप में मैंने इसको एक अच्छा रैंक दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसीलिए क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है। उसमें सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसी टॉपिक है जो ट्रिकी होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, हम वीडियो के वीडियो में ये मैं अच्छे से बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रेडिक्टेबल क्यों होती है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसीलिए प्रेडिक्टेबल होती है क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, और जैसी एल्गोरिदम्स आती है उस एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। बस उसको एल्गोरिदम को समझना होता है, वी नीड टू अप्लाई ड्यू टू द एल्गोरिदम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल, दैट मेक्स इट ईजी एंड स्कोरिंग, ठीक है। तो मेरा एक और सजेशन रहेगा कि ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ। कितना डेप्थ में जाना है मैं बताऊँगा इस पर्टिकुलर पार्ट वन पार्ट टू प्लेलिस्ट पे, ठीक है। सो वेस्ट मत करो अपना टाइम। डीएफएस अप्रोच मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कही है, जब गेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो तुम्हें डीएफएस नहीं फॉलो करना है, एज इन एक सब्जेक्ट को पकड़ा और डेप्थ में चले गए, एकदम पीएचडी कर ली, बिल्कुल नहीं करना है। अपने को उतना ही पढ़ना है जिससे गेट एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दिस इज अनदर टिप, प्रीवियस ईयर्स इज द की, प्रीवियस ईयर्स को बिल्कुल मत करना। बाकी मैं सारे रिसोर्सेज तो दे ही दूंगा, लेकिन दिस वर सम जनरल टिप्स। तो क्यों पढ़नी है भैया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पढ़नी इसीलिए है क्योंकि ये स्कोरिंग है, ये प्रेडिक्टेबल है। 70-80% बहुत आसानी से मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है इफ यू आर एमिंग फॉर अ टॉप कॉलेज इन द कंट्री, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया क्यों पढ़नी है, समझ गया क्या एग्जैक्टली पढ़नी है। क्योंकि देखो मैं सब कुछ एक बहुत डेप्थ तक तो नहीं पढ़ सकता ना, इतना तो वक्त किसी के पास नहीं होता, तो मुझे स्ट्रैटेजी बना दो। लेट्स हेल्प यू डेवलप अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन एनालिसिस। ये कोई हवा में बातें नहीं चल रही, गेट प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज किया गया है, ठीक है। ये फ्रंट एंड में शायद तुमको दिख रहा होगा कि ये कुछ 30 मिनट्स का वीडियो होगी, बट बैक एंड में बहुत ज़्यादा एनालिसिस की गई है फ्रॉम माय साइड, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है फ्रॉम माय साइड एंड ऑल्सो माय फेलो पीयर्स, सबका ओपिनियन लेके सभी चीज़ों को समझ करके ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो बैक एंड में काफ़ी रिसर्च की गई है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें एक भी चीज़ ऐसे नहीं होगी जो हवा में हो रही है, साइंटिफिकली लॉजिकली बैक्ड क्या एग्जैक्टली पढ़नी है। अब सबसे पहले तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि 2021 सेट वन से लेके 2017 तक 6 साल मैंने इसको थोड़ा बहुत एनालिसिस करी है कि प्रोसेस मैनेजमेंट से तुम्हें दिख रहा होगा 2 मार्क आए हैं, 2021 सेट टू में 3 मार्क आए, तो 2-3 वेटेज है सिर्फ प्रोसेस मैनेजमेंट की। मैं आगे चल के और डिटेल्स में जाऊँगा, लेकिन दिस इज अ वेटेज। कॉन्करेंस एंड सिंक्रोनाइजेशन का वही 2-3 मार्क्स, डेडलॉक 0-2, मेमोरी मैनेजमेंट 2-3, ये तुम अच्छे से पढ़ लो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो ओएस में अगर तुम देखोगे तो 6 मार्क्स आई थी 2021 में, 7 मार्क्स 2021 सेट टू में, 10 मार्क आई थी, तो काइंड ऑफ 7-10 मार्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगी ही आएगी, क्लियर। अब जरा डिटेल्स में बात करते हैं ना भैया, ये तो थोड़ा ओवरव्यू हो गया, ये तो नंबर्स है, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक एक करके एनालिसिस करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट में आती है तुम्हारी प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, 2-3 मार्क होती है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका वेटेज काफी ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ईजी है, ईजी इसीलिए है कि एक एल्गोरिदम होगी, ठीक है। एल्गोरिदम कैसे होगी, FCFS, SJF, SRTF, RR, प्रायोरिटी, ये सारी टाइप की CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती है। तुम्हें एल्गोरिदम्स बस पढ़ना होगा और उस एल्गोरिदम को अप्लाई करनी होगी, बहुत ईजी है, 100% प्रेडिक्टेबल, ठीक है। और गेट में हर साल प्रोसेस शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से क्वेश्चन आनी ही आनी है, भगवान भी नहीं रोक सकता, ठीक है। जब तुम्हें पता है कि ये आएगी ही आएगी, तो तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस शेड्यूलिंग को ढंग से पढ़ो। ढंग से कैसे पढ़ना है कि हर एक
एल्गोरिदम से एटलीस्ट 2 से 5 न्यूमेरिकल्स करनी ही करनी है, और शॉर्ट नोट्स में उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये होते हैं, उसमें पॉइंटर करवा दो, दैट्स इट। 2 से 5 क्वेश्चन हर एक एल्गोरिदम से करो, FCFS, SJF, SRTF, प्रायोरिटी, ये सबसे कर लो, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, दैट्स इट, गेम ओवर। ये टॉपिक अगर तुम कर लोगे, 2 से 5 न्यूमेरिकल्स कर लोगे, भगवान भी नहीं रोक सकता इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए और तुमसे ना हो, हो ही नहीं सकता, दैट प्रेडिक्टेबल, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक रिसोर्स दूंगा, हालांकि मैं इसके पार्ट टू में तो रिसोर्सेस सारे के सारे ही दे दूंगा हर एक टॉपिक के, लेकिन पार्ट वन में भी मैं एक रिसोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। पार्ट वन में रिसोर्स ये है कि तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली देखनी है, बाय खलील सर, ये फ्री है ऑन यूट्यूब, मैंने खुद देखी है जब मैं रिसर्च कर रहा था, हालांकि मैं अभी खुद IIT में हूँ, बट मैंने रिसर्च करते टाइम देखी है, एंड आई वॉज फैसिनेटेड कि ये प्रोफेसर ने किस तरीके से ये चीज़ों को पढ़ाई है। 2 घंटे का वीडियो है जिसमें वो कुछ नहीं कर रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे और समझा रहे, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट। काश मेरे पास ऐसी रिसोर्स होती मेरे टाइम पे, मेरे प्रिपरेशन टाइम पे, तो कुछ मजा ही आ जाता, ठीक है। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो, ओके। सो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स ऐसे ही करनी है, ठीक है, बहुत प्रेडिक्टेबल है, ट्रिकी बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, 2 से 5 न्यूमेरिकल्स हर एक एल्गोरिदम से करो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस क्रिएशन, फोर्क्स एंड इंटरप्ट की बात है, 0 to 1 मार्क है इसका वेटेज, तो ये मीडियम लेवल होती है, स्लाइटली ट्रिकी कभी कभार हो सकती है, स्लाइटली ट्रिकी, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। इसमें थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ खास नहीं है, वो क्या करेंगे कि तुम्हें फोर्क सिस्टम कॉल के ऊपर से वो जो फार्मूला होती है 2^n-1 चाइल्ड प्रोसेसेस, वो फार्मूला के बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इंटरप्ट्स के बेसिस पे थियोरिटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स और थियोरी पे फोकस करनी है। कहाँ से फोकस करनी है भैया, रिसोर्सेज तो दी नहीं आपने, दूंगा ना पार्ट टू में, दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो यूज केस ऑफ फोक वगैरह वगैरह जानना है, कितने क्वेश्चंस करनी है, 2 से 5 क्वेश्चंस अगर कर लिया तो बहुत है, ठीक है। थ्रेड्स इज अनदर थियोरिटिकल टॉपिक, ठीक है, 1 to 2 मार्क्स वेटेज है, कुछ खास नहीं है। प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स भी है ही है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं अपने को कुछ, ठीक है, छोड़ना नहीं है, बट मैं तुम्हें सिर्फ वेटेज बता रहा हूँ। थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है, स्लाइटली ट्रिकी है, तो इसमें जो यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स के बीच में जो डिफरेंसेस होती है उसके बारे में ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ओके। थियोरिटिकल हो गया, तो प्रोसेस क्रिएशन एंड थ्रेड्स इज वेरी थियोरिटिकल, एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग इज हाईली न्यूमेरिकल, बहुत आसान, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट डन। सेकेंड, सिंक्रोनाइजेशन इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कोडिंग रिलेटेड होगी और इसमें एच केसेस बहुत सारी होगी, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को देखना होगा, वरना तुम इस क्वेश्चन को ढंग से आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दैट मेक्स इट वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सीमा फोर्स, सिंक्रोनाइजेशन कैसे ऑकर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 से 3 मार्क आती ही आती है, ठीक है। और जो भी कोडिंग एंथुजियास्टिक कॉलेजेस होती है वो पूछते ही पूछते हैं, लाइक IIT बॉम्बे वगैरह वगैरह, ठीक है। सो तुम्हें कैसे करनी है ये सिंक्रोनाइजेशन, तुम्हें प्रीवियस ईयर्स करनी ही करनी है, मस्ट है। 40 से 50 प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस हैं, कितने प्रीवियस ईयर्स करनी है, लास्ट के 30 प्रीवियस ईयर्स। हालांकि पार्ट टू में मैं रिसोर्सेस में सब कुछ लिंक कर दूंगा, टेंशन नहीं है, बट तुम्हें क्या करनी है कि यू नीड टू गिव एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स पर क्वेश्चन, हाँ पर क्वेश्चन लेनी है, और 10 से 20 मिनट तक उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट सोचा, नहीं हुआ, सोल्यूशन देखना है, कहाँ से सोल्यूशन देखना है, गेट ओवरफ्लो से देखो डिस्कशन कैसा है, चल रहा है वहाँ पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे, अर्जुन सर से लेके जितने भी गेट रैंकर्स होती है वो हेल्प करेंगे डिस्कशन फोरम में, ठीक है। और अंडरस्टैंड करो कि अच्छा ये क्वेश्चन हुआ कैसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार तुम्हें वो क्वेश्चन समझ आ गई, सो मेक अ नोट ऑफ इट इन योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ऐसे वी विल प्रिपेयर दिस टॉपिक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, राइट। सो इट्स ओके टू टेक टाइम, इट्स ओके, बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। एक रिसोर्स भी दूंगा आखिरी में। तो क्यों पता ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग, तुम्हारी कोडिंग स्किल टेस्ट की जाती है। इफ़ यू आर नॉट गुड विद कोडिंग, अगर तुम अच्छे नहीं हो कोडिंग में, तो शायद मुश्किलें पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मैं एक रिसोर्स दूंगा, उससे आराम से हो जाएगी, बट इट्स स्लाइटली ट्रिकी, ठीक है। प्रीएम्प्शन, एच केसेस वगैरह वगैरह पूछते हैं, सो दैट मेक्स इट ट्रिकी। अब खलील सर का
फ्री एक वीडियो है यूट्यूब पे, सेम प्लेलिस्ट पे मैंने ये खुद देखी है वापस, 2 घंटे की वीडियो है एंड आई फाइंड इट एब्सोल्युटली अमेजिंग। उन्होंने बस वही किया, प्रीवियस ईयर्स को उठाया है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को और डिस्कस करी है, ठीक है। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर जिनका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है वो चीज़ को समझाते हैं तो उनका नज़रिया, उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी हेल्पफुल होता है हम जैसे गेट एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। सो ये वीडियो मैंने इसमें तुम्हें बस क्लिक करना, यू विल डायरेक्टली गो टू द वीडियो, ठीक है, एंड यू नीड टू वॉच इट, मस्ट, ठीक है, ओके। सो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी सिंक्रोनाइजेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन की थियरी पढ़ो, प्रीवियस ईयर्स खुद सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो। कहाँ से पढ़नी है रिसोर्सेज सब कुछ मैं पार्ट टू में दे दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू सिंक्रोनाइजेशन। अब आते हैं थर्ड पे, डेडलॉक 1-2 मार्क है, काफ़ी आसान होती है, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स होती है, ठीक है। प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन, रिकवरी, यही सब पे क्वेश्चंस आएगी थियोरिटिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगी तो तुम्हारी बैंकर्स एल्गोरिथम से आएगी, सेफ स्टेट सीक्वेंस से आएगी, ठीक है। सो वेदर द एलोकेशन लीड्स टू डेडलॉक और नॉट, ये सब आसान क्वेश्चंस आएगी। प्रीवियस ईयर्स अगर कर लोगे तो भी डेडलॉक्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज करनी होगी, कौन सी करनी है बता दिया करूंगा इन पार्ट टू, ठीक है, रिसोर्सेज सेक्शन में। बट डेडलॉक्स इज वेरी इजी क्योंकि वो एल्गोरिदम बेस्ड होती है, ठीक है। तो जो भी एल्गोरिदम्स बेस्ड होती है ना बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाती है, लाइक डेडलॉक्स हो गया, तुम्हारा प्रोसेस वो हो गया, तुम्हारा प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मेमोरी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तुम देख रहे हो 2-4 मार्क वेटेज है, बट ईजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तोप होगी, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सारी इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग, सेगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी के न्यूमेरिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं। तो थियोरी एस्पेक्ट भी कवर करती है और न्यूमेरिकल भी कवर करती है। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तुम्हारे पेजिंग से, मेमोरी एक्सेस टाइम फाइंड आउट करो, तो अगेन प्रेडिक्टेबल फार्मूला होती है यार, TLB की, इनवर्स पेजिंग की, पेजिंग की बेसिक फार्मूला होती है, उसको जानो और फट करके अप्लाई करो एंड दैट मेक्स इट प्रेडिक्टेबल, ओके। सो अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाईली प्रेडिक्टेबल, दैट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। वही चीज़ है, LRU, FIFO, ऑप्टिमल, 2 या 2-3 न्यूमेरिकल करो, 1-2 न्यूमेरिकल करो, हर एक एल्गोरिथम से फट करके पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो जाएगी और 100% गारंटी है कि एक बार तुमने ये एक या दो मार्क दो क्वेश्चंस कर ली फ्रॉम ईच एल्गोरिथम, तुमसे हो ही जाएंगे फाइनल गेट एग्जाम, ठीक है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम करना ही करना है, दैट मेक्स इट प्रेडिक्टेबल। बाकी जो TLB, मेमोरी एक्सेस टाइम वगैरह वगैरह कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज ऑल्सो वेरी प्रेडिक्टेबल क्योंकि फार्मूला बेस्ड होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होती है प्रीवियस ईयर्स में हालांकि जो ट्रिकी होती है, उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे क्वेश्चन को क्लटर कर देते हैं एक साथ एंड प्रेजेंट करते हैं, उसके वजह से ट्रिकी बन जाती है फ्रॉम मेमोरी मैनेजमेंट। अब इन ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए या कैसे अप्रोच करना है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उसके लिए भी आई फाउंड खलील सर्स वीडियो ऑन यूट्यूब वेरी हेल्पफुल। मैंने ये भी खुद देखी है, मैंने ये एक्चुअली ये तीनों वीडियोस खुद देखी है, 6 घंटे तो मेरे इसी में इन्वेस्ट हो गए, बट आई मेड श्योर कि ये वीडियो के सारे क्वेश्चंस वैल्यूएबल है भी कि नहीं, ठीक है। सो वॉच इट, तो मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच की जाती है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है, ओके। अब आते हैं फिफ्थ सब टॉपिक पे, दैट इज फाइल सिस्टम्स। फाइल सिस्टम इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 या 2 मार्क आती है, हालांकि हमें कुछ नहीं छोड़ना है। क्यों कुछ नहीं छोड़ना है, मैंने एक वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है कि इफ़ यू डू एवरीथिंग, एक एज मिल जाता है बाकी कॉम्पिटिटर से, भले ही तुम एक रीजनेबल डेप्थ तक करो, बट करो, ठीक है। मैंने तुम्हें पूरा एनालिसिस दे रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना डेप्थ में करना है, हालांकि मैं एक डायग्राम भी नीचे बताऊंगा। अब फाइल सिस्टम में डिसशेड्यूलिंग जो एल्गोरिदम्स होती है ना, लाइक स्कैन, सी स्कैन, लुक, FCFS, SSTFF, ये हाईली प्रेडिक्टेबल होती है। क्यों? वापस वही कहानी है, फॉर्मूला एल्गोरिदम ऑलरेडी गिवन है, तुम्हें वो एल्गोरिदम बस अप्लाई करनी है, दैट्स इट। अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी कर लोगे ना फ्रॉम ईच एंड एवरी एल्गोरिदम, 100% मेरी गारंटी है, 100% तुम आसानी से क्वेश्चन आंसर कर लोगे इन योर फाइनल गेट एग्जामिनेशन। सो दैट इज वाई डिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बहुत प्रेडिक्टेबल है, तुम्हें मिस करनी ही नहीं है ये पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है।
जितने भी एल्गोरिदम्स है ना, भले डिसशेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हो गया, तुम्हारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हो गया, पेजिंग हो गई, सिंक्रोनाइजेशन के कुछ एल्गोरिदम्स हो गए, प्रोसेस मैनेजमेंट के एल्गोरिदम्स हो गए, दैट मेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स वेरी इजी एंड प्रेडिक्टेबल। गेम समझ आ रही है? ओके और इसमें तुम्हें फाइल एलोकेशन मेथड्स भी दिख रहा होगा, ठीक है? फाइल एलोकेशन मेथड्स में सीक्वेंस, रैंडम, लिंक्ड, ये सब थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है, इस चीज को भी पढ़ना है। कहाँ से पढ़नी है भैया बता देंगे, ठीक है? मैं बस एनालिसिस दे रहा हूँ इस वीडियो में। एंड यूनिक्स आई नोड स्ट्रक्चर, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कम इन फाइल सिस्टम। ओ समझ में आ रही है ओवरव्यू? एक या दो मार्क फाइल सिस्टम से पूछा जाता है, ओके? तो दैट्स इट। उसके बाद आते हैं, तो हेवीएस्ट टॉपिक क्या है भैया? हेवीएस्ट टॉपिक है तुम्हारा प्रोसेस शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन और मेमोरी मैनेजमेंट। हेवीएस्ट टॉपिक इन द सेंस सबसे ज्यादा वेटेज प्रोसेस शेड्यूलिंग से पूछा जाता है, तुम्हारे एल्गोरिदम से, सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंसी एंड मेमोरी मैनेजमेंट। दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेटेज, ये तीन टॉपिक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम मिस नहीं कर सकते। ये तीन टॉपिक्स में से वी विल नॉट मिस, भले ही बाकी चीजें मिस हो जाए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी चीज मिस करो, बट ये तीन टॉपिक्स हैवीएस्ट, ठीक है? चलो मैं एक और अच्छे से डायग्राम बता देता हूँ। तुम्हें मैक्सिमम फोकस, इजीएस्ट एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल है तुम्हारा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में तुम्हें मैक्सिमम फोकस करनी है, क्यों? वो इंपॉर्टेंट भी है और प्रेडिक्टेबल भी है, ठीक है? मॉडरेट टू हार्ड होती है तुम्हारी, डेडलॉक हो गया, जैसे डेडलॉक इजीएस्ट में पुट किया जा सकता है, बट मैं मॉडरेट कर देता हूँ उसको। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होती है, दैट इज व्हाई आई प्लेस्ड इन मॉडरेट टू हार्ड। वेरी प्रेडिक्टेबल होती है, तो तुम्हें ये नेक्स्ट करनी है, ठीक है? इसी ऑर्डर में करनी है। अब आती है तुम्हारी कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन। कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन को एक हद तक संभालने की कोशिश करो। अगर वक्त की कमी की वजह से छूट भी जाए, तो सिंक्रोनाइजेशन की कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाए तो इट्स ओके। क्यों? क्योंकि बाकी इंडिया को भी नहीं आएगी, तुम्हें भी नहीं आएगी, ठीक है? बट अगर खलील सर का वीडियो देखोगे, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं रिसोर्सेस दूंगा पार्ट टू में करोगे, तो ये भी चीज़ नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी है। बट अगर गलती से छूट भी जाए तो ज़्यादा लॉस इनकर ना हो, तो इसके वजह से आई मेड दिस डायग्राम, ठीक है? सबसे ज़्यादा फोकस हमें इस चीज़ पे करनी है, उसके बाद इस चीज़ पे करनी है, एंड थर्ड वी विल गो टू कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन। कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन हालांकि थोड़ी ट्रिकी है, ठीक है? तो कोई बच्चा अगर 3-4 महीने भी उसको दे दे, तो भी पूरी गारंटी नहीं है कि फाइनल गेट एग्जाम में उससे क्वेश्चन बने ही बनेंगे। बट जब बात आती है प्रोसेस मैनेजमेंट की, जब बात आती है मेमोरी मैनेजमेंट की, तब गारंटी कहीं ना कहीं है कि 99% तुमसे क्वेश्चन तो बन ही जाएगी। गेम समझ आ रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स की स्ट्रैटेजी समझ में आई? मैंने एक डिटेल स्ट्रैटेजी दी है, ठीक है? अगर ये नहीं समझ में आए कुछ पॉइंट, तो वीडियो वापस देखो, या मैं ये जो डॉक्यूमेंट है उसको लिंक कर दूंगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? And part one is done. We have analyzed the why and what exactly of operating systems we need to focus upon. In the next part, I will give कि भैया कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, as in मैं एक proper week structure दूंगा, like week one में क्या करना है, week two में क्या करना है, week three में क्या करना है, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है, weekend में क्या करना है, what दे दूंगा, how दे दूंगा, और उसके बाद where दे दूंगा, कि भैया resources, सारे रिसोर्सेज लिंकेबल फॉर्म में दे दूंगा, बस उस सब टॉपिक पे जाओ, क्लिक ऑन द रिसोर्स एंड वॉच एंड सी एंड रीड, ठीक है? इस तरीके से सारे के सारे रिसोर्सेज दे भी दूंगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो कम जॉइन माई फैमिली, एंड सबसे पहले सी माई मास्टर स्ट्रैटेजी वीडियो, एक आई विल लिंक इट ऑन द वीडियो, लिंक इट ऊपर, तो मास्टर स्ट्रैटेजी वीडियो डेफिनेटली देखना। उसमें मैंने इसने सारे सब्जेक्ट्स के रोड मैप दे के रखा है कि कौन सा पहले करना है, कौन सा नहीं करना है, तो वो बिल्कुल देखना, ठीक है? मुझे बहुत सारे DMs आते हैं, सो आई वॉन्ट यू टू सी द वीडियो अगर तुमने नहीं देखी है तो, ओके? सो कम जॉइन माई फैमिली। अगर ये वीडियो पसंद आए, चाहते हो कि मेरे एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करो। उससे क्या होता है कि YouTube हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाती है, स्पेशली Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ के बच्चों तक, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो सेल्फ स्टडी करके एक प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रैटेजी से गेट एग्जाम को फोड़े और अपनी जिंदगी बदले, ठीक है? दैट्स अ फोकस। तो ये वीडियो को शेयर करना, और मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो करो, वहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ मासेस के साथ, ठीक है? सो एंड कॉलेज या सेमिनार्स के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है? एट दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी जस्ट मुझे मेल कर देना। शेयर करो ये वीडियो इन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम विद दिस हैशटैग लेट्स विन टुगेदर, क्योंकि अकेला जीतने में तो कोई मजा नहीं है।
ठीक है, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो टैग मी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, अब खुश रहो, मजे में रहो, वेट फॉर द पार्ट टू, बेल आइकन वगैरह वगैरह दबा के रखो, पार्ट टू में मैं बाकी चीज़ें भी कवर कर दूंगा। तो इसी जज्बातों के साथ गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, मजे में रहो, ठीक है।